please subscribe and hit the bell icon. भाई 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 प्लीज सुन यार, प्लीज भाई प्लीज एक दिन के लिए इंतजाम कर दे यार प्लीज। अरे जा, जब लड़की चाहिए तो मेरे पास आ गया, और गोवा ट्रिप के टाइम तो दोस्त को भूल गया। यार रेडियो स्टेशन मेरे बाप का नहीं है जो किसी भी कॉन्टेस्ट में तुझे विनर बनाकर मैं गोवा भेज दूं। लेकिन लड़की अरेंज करना तेरे हाथ में है यार, प्लीज कर दे यार। चल तू भी क्या याद रखेगा, चल आ जाएगी सुरभि। लेकिन हाँ, फिर नेक्स्ट वीकेंड का बिल फिर तू देगा। डन। अच्छा सुन, नो चिपकना चिपकाना एंड नो कमर पे हाथ। सुन, दुनिया को दिखाने के लिए तुझे गर्लफ्रेंड उधार दे रहा हूँ, दान नहीं कर रहा हूँ, याद रखियो अच्छे से। और सुन, मैं भी साथ आऊंगा। बंदा चाहे ऑर्डिनरी गाय हो या पब्लिक फिगर, 30 की एज क्रॉस करते ही अचानक ही हर सिंगल लड़के को ऐसे डर्टी ड्रीम्स आने ही लगते हैं, खास तौर से अगर वो वर्जिन हो। ये है रेडियो जॉकी रूपक और ये उसका डर्टी ड्रीम। हेलो मैम। ओ डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम करो। डॉक्टर, आप मुझे कमजोर समझ रही हैं। आई कैन बेयर द ट्रूथ, आप बताइए। रूपक, आप अपनी फर्टिलिटी खो चुके हैं, आप कभी बाप नहीं बन सकते। अरे क्या बे, तुम आरजेस को साले कितनी फुर्सत होती है, सुबह सुबह टाइम पास शुरू कर देते हो। भाई कम से कम टाइम तो देख लिया करो यार, बंदा नॉर्मल है यार। अबे यार, मेरी लाइफ में टाइम बॉम्ब की घड़ी टिक टिक कर रही है और तुझे नींद ही पड़ी हुई है। ये बता, शादी की राइट एज क्या होती है? हाँ बेटा सही है, तेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड नाम का कैरेक्टर तो है नहीं, और तू सीधा शादी सुहागरात। गुड गुड। नहीं कुछ नहीं, रात को एक भारी सपना देख लिया। आप कभी बाप नहीं बन सकते। सही है, सही है। ये हुआ ना क्लाइमेक्स। कुंडली के दोष क्लाइमेक्स के दुलाले पड़े हैं यार। बेटा मुझे ना बता, तेरी बैलेंस शीट का सारा प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास है, याद है पिछले हफ्ते कैसे मुझसे भीख मांग रहा था? सब याद है, दोस्त और भाई बोलता है और एहसान गिनवाता है। तो छोड़ यार, मैं भी कहा रॉन्ग नंबर डायल कर बैठा, छोड़ जाने दे। क्या मैडम, 50 रुपए का पेट्रोल जला कर ऑफिस में बॉस को झूठ बोल कर आए हो, ये डायरी के लिए? हाँ मैडम, फुटपाथ पे चीजें दर्जनों के भाव मिलती है, पता है आपको? मेरी दीदी दिन भर रेडियो सुन सुन के गूगल मार मार के रिप्लाई देती है, मेरे सर पे बंदूक तान देगी ये डायरी देखकर। एक्चुअली सर, हमें ऊपर से ही गाइडलाइंस आती हैं कि कौन से कॉन्टेस्ट में क्या गिफ्ट देना है। मैडम, कुछ पिक्चर के टिकट या
ब्यूटी पार्लर वगैरह के वाउचर हो तो तुम, इसका क्या अचार डालूंगा मैं? आई एम रियली सॉरी सर, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक्चुअली सर, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, वो अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं दे सकती है। आप भी समझिए, मे बी नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए। बट सर, ये डायरी, एक्सक्यूज मी भाई साहब, उधार लिया था हमने आपसे। मैडम, मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे। नहीं नहीं, आप प्राइज लेने थोड़ी आए हैं, आपके फूफा के लड़के की शादी है ये। मैडम, एक काम करना, फिर बच्चों को देना है डायरी। ए हेलो, इसकी तो लड़कियों के केस में एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेक्ट बना। 30 की एज क्रॉस करते ही वो और खूंखार हो जाती है, खासतौर से ये शादी और बच्चे वाले इश्यूज को लेकर। ये है आरजे विजेता और ये उसकी खतरू रियलिटी। % डिस्काउंट सेल चल रही है, हाउसवाइफ्स की किटी पार्टी चल रही है, इतना शोर क्यों हो रहा है? वो एक्चुअली लिसनर आया था द गिफ्ट, सो विजेता वाज जस्ट ट्राइंग टू। विजेता, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम्हारी उम्र में लड़कियां दो बच्चों की माँ बन जाती हैं और तुम बड़ी ही नहीं हो पा रही हो। दो बच्चों की माँ, आशी तेरी माँ बन के हमेशा मुझे ट्रीट करने की आदत ना मुझे बड़ा नहीं होने देती है ना। शांति, महक, इन आरजेस को बोलो इनके शो का टाइम हो गया है, स्टूडियो में जाए चुपचाप। शांति शांति। ऑलराइट, रेडियो लव 111.8 एफएम पर मैं हूं रूपक आपके साथ और साथ है विजेता, आपके प्यार के केसेस का निपटारा करने के लिए लगा के बैठे हैं प्यार की कचहरी। और इस शो का नाम है लव ऑन एयर, जिसका कि नेक्स्ट कॉलर ऑलरेडी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुनते हैं कौन है। हेलो, हाय, कौन बोल रहे हैं? हे, हाय विजेता। हेलो रूपक। हाय, आई एम 17 ईयर ओल्ड गाय एंड माय गर्लफ्रेंड इज माय क्लासमेट और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, शी इज प्रेग्नेंट, पर हम एक दूसरे से अभी शादी नहीं करना चाहते। आप बताओ हम क्या करें? बेटा, मालूम नहीं है क्या 18 के पहले ये सब अलाउड नहीं है? या फिर ये नहीं मालूम कि सरकार ने ऑलरेडी अच्छे खासे इंतजाम करके रखे हैं प्रिकॉशंस के? मतलब बिना पैराशूट के कूद गया, अब हमसे कहता है कि कैच कर लो। देखो जी, फैमिली में किसी को कॉन्फिडेंस मिलो, बातचीत करो, समझाओ और केस को सुलटाओ, वरना जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। फिलहाल ये नेक्स्ट गाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आप बने रहिए यही रेडियो लव 111.8 पर, बिकॉज लव इज ऑन एयर। जी रहा हूं मैं तन्हा। ये लड़का कुछ ज्यादा फास्ट नहीं निकल गया? आई नो, आई मीन, बट तुमको इतना धक्का क्यों लग रहा है? हाँ, जल बुन गए कि लड़का पंगा तोड़ा रहा है और तुम्हारा अभी उपवास भी नहीं टूटा? हाँ, वाह। नहीं, आई मीन, सच बताओ। यार, एक्चुअली एक सपना देखा। मेरी मान सही में फर्टिलिटी टेस्ट करवाई ले, नहीं मतलब श्योर हो जाएगा। पर ना, सच बोलूं, आज मैं भी थोड़ा घबरा गई थी। तुम क्यों? यार सच बताओ, मैं सही में दो बच्चों की अम्मा लगती हूँ क्या? अब एक्चुअली यार, as we turn 30, थोड़ा बहुत तो है, अपनी सोच, आए हैं बड़े। अब तेरा भाई तुझे चाचा बना के रहेगा, ऐसी थोड़ी। अच्छा है ना, मेरी मेहनत बच गई। फोन दे। लगा, विजेता को लगा। हेलो, ओए तेरी, मामला सेट है यार, तलवार की धार अभी बाकी है। अरे पार्टी लेनी, पार्टी इससे सारे कल पुर्जे सलामत है। यस, आ मेरे लाल, अब तू कूद जा जंग के मैदान में, पर उसके पहले पारी। साला मैं तो साहब बन गया। इनको क्या हो रहा है? साहब बन के कैसा तन गया। तुझे क्या हुआ निमिश, ऐसे गाने क्यों गा रहा है आज? कुछ राज ही रहे तो अच्छा है, वरना मुन्ना बदनाम हुआ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, लास्ट मंथ की बात है। मार्केट में था, एक लिस्टर पहचान के पास में आ गई,
बस शुरू हो गई। हेलो। हाय। आप रूपक है ना? या। मैं आपका शो रोज सुनती हूँ। Really? और मैं आपको FB पे भी फॉलो करती हूँ। So sweet of you. Please एक बार रेडियो जैसे बोल के दिखाइए ना। यहाँ कैसे? ये किसका बच्चा है? हेलो। यही समझ लो। लगता है ना मेरे जैसा? हाय। बेटा दीदी को हेलो करो। हेलो। लेकिन आपकी तो शादी नहीं हुई है ना? हाँ, लेकिन शादी का बच्चे से क्या लेना देना? हाँ? I mean, शादी सोशियोलॉजी है और बच्चे बायोलॉजी। हाँ? ठीक है, चलो चलो एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी। वाओ, आज तो मेरा दिन बन गया। So sweet. मैं कल आपका शो सुनूंगी और प्लीज आप मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग प्ले कीजिएगा ना, प्लीज। पक्का। मैं ना आपकी फोटो और मेरी फोटो फेसबुक पे डालूंगी। और प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। प्लीज बाय। प्लीज बाय। यार मजाक में बोल तो दिया, लेकिन पहाड़ तब टूटा जब उस भली लड़की ने फेसबुक पे मेरी फोटो पोस्ट कर दी बच्चे के साथ में। रूपक सिंगल पेरेंट अनमैरिड। ओह माय गॉड। मतलब तू उसकी सोशियोलॉजी बायोलॉजी की क्लास लगाता रहा और वो तो आईटी में तेरी मास्टर निकली। एक्चुअली टेंशन इसी बात का है, अपने से ना बायोलॉजी सेट होती है ना सोशियोलॉजी सेट होती है। ये बात और है कि रोज रोज प्यार की थ्योरी जरूर पढ़ाते हैं ऑन एयर, कि काश कोई अपना भी प्रैक्टिकल ले ले। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोग पहले ये बताओ डेजर्ट में क्या मंगा रहे हैं? रसमलाई, आइसक्रीम। यार तू हमेशा एडवांस लेवल क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट करता है? पहले बेसिक्स तो सुलझा ले। पार्टी किस खुशी में कोई बताएगा? इसमें इतना क्या है, विजेता की शादी की पार्टी है। तुम लोगों को नहीं पता? बताओ। With you? हाँ, why not? कोई बात नहीं बशी तेरे पेट में। शादी? वो अभी मैं होम टाउन गई थी ना, कजिन की शादी के लिए, तो कजिन की शादी नहीं थी। ओम सस्तिनेन्द्रो गद्धस्वाहा सस्तिनाहा पूखा विश्ववेदाहा। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। वरवधूः सावधानः सूर्यचन्द्रमा सावधानः। कन्या की मांग भरिये। यार मम्मी लेके गई थी यार एस्ट्रोलॉजर के पास मेरी कुंडली का दोष ठीक करने के लिए। बहन जी, विजेता बिटिया की कुंडली बहुत अच्छी है, राज करेगी राज। लेकिन बहन जी क्या बताएं, इसके सातवें घर में मंगल बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में शादी नहीं होती है, और यदि शादी हो भी जाए दूल्हे के ऊपर कोई बड़ा भारी संकट आ सकता है। तो अरे पंडित जी, आप ही कुछ उपाय कीजिए ना, बड़ी आस लेकर आई हूँ आपके पास। बस इसकी शादी हो जाए, मैं तो गंगा नहा लूं। What, यार ये हुआ ना हस्बैंड मटेरियल। लेकिन यार किसी ने जोर से लात मारी ना तो तेरा तो सुहाग ही उजड़ जाएगा। तुझे गुस्सा नहीं आया? क्या वो कल तुमने बताया था ना वो मटके से शादी एंड ऑल। गुस्सा आया कि कुन्नस हुई? यार देख, अपनी लाइफ में, आई मीन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी इतना ड्रामा भरा हुआ है, इतनी नौटंकी है, तो मम्मी के लिए थोड़ी सी नौटंकी और सही। कर ली मटके से शादी। ऐसे नौटंकी से क्लिक हुआ क्या? हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। क्या नौटंकी? मटके से शादी? अरे नहीं यार, इनफैक्ट स्वयंवर करते हैं, एक तेरा एक मेरा, रूपक का स्वयंवर। वाह वाह वाह, मतलब कि बहुत सारी लड़कियां और फिर उसमें से छाटो बीनो पकड़ो, छाटो बीनो पकड़ो, छाटो बीनो पकड़ो। बढ़िया है भाई। आइडिया, वैलेंटाइन स्पेशल। एब्सोल्युटली, हम करेंगे डेट विद आरजे। क्या बात है, जैसे कि हमारे पास होंगे ढेर सारे लड़के ढेर सारी लड़कियां, पूल ऑफ ऑप्शंस। और फिर
रिजेक्ट करो पसंद करो, रिजेक्ट करो पसंद करो। वाह वाह वाह, क्या बात है, मुझे तो फीलिंग आ गई। एक सेकंड, ये स्क्रॉल कर यार। तो मेरे लिए तो डन है, इसको फाइनल कर दे। पक्का? हाँ, एंड आशी को भी बता देना, और हाँ इन दोनों विनर्स को भी बता देना कि डे टाइम डे एंड व्हाटएवर एवर। हाय रूपक। अरे हाँ, मैं जानती हूँ आपको, सुनती हूँ आपको रोज। हाय समर्थ, सन ऑफ धर्मेंद्र सहानी। या आई सॉ दैट। ओ तुम जैकेट क्यों उतार रहे हो? सुनो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आपके पापा के फ्रेंड है ना खन्ना जी, वो पहले हमारे बहुत अच्छे नेबर थे, तो उसी बात पे आपसे। ओ राइट राइट, आशी वो एक सीवी फॉरवर्ड किया था ना मैंने फॉर द प्रोड्यूसर्स जॉब। Show us some love because love is all I need.